आज तो शुरुआत ही बसर से हुई, पहले हमारे कप्तान को गलत आउट दे दिया अंपायर ने, फिर उसके बाद हमारे टीम का जो कोलैप्स हुआ है, दे दनादन सब जो आ रहा है जा रहा है, हैट्रिक दे दी भाई। आज हमारे टूर्नामेंट का लास्ट लीग मैच था, एनसीआर किंग्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग सिलेक्ट करी, राणा भाई और मानिक ने पारी की शुरुआत करी और ये पहली ही बॉल पे चौका आ गया था। यहीं से पहली जो गड़बड़ शुरू हुई थी, मानिक भाई को गलत आउट मिला और बहुत मानिक भाई इस चीज को लेकर बहुत निराश भी थे क्योंकि उनको भी ये लग रहा था जो हमें लग रहा है कि इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छी हाइट पे हुआ था और आउटसाइड ऑफ स्टंप हुआ था, तो एलपीडब्ल्यू आउट नहीं था ये हमें लगता है, बाकी अब जो हो गया उसे चेंज तो नहीं कर सकते। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ये सैमी भाई आए हैं बैटिंग करने के लिए, आते ही इन्होंने पहली बॉल पे चौका मारा ऑफ स्टंप का। राणा भाई को शॉर्ट बॉल मिली और राणा भाई ने स्ट्रेट में बहुत ही बढ़िया शॉट मारा। ये स्लोअर बॉल में राणा भाई फंस गए और सीधा कैच चला गया और राणा भाई बहुत निराश थे। मैच के बाद भी मेरी इनसे बात हुई थी, बहुत निराश थे अपने बैटिंग परफॉर्मेंस को लेके। ये अरुण भाई आ गए बैटिंग करने के लिए, अरुण भाई ने आते ही पहली बॉल पे शॉट मारा और सीधा चार चला गया। एक और बहुत ही बढ़िया शॉट अरुण भाई का, अरुण भाई बहुत ही अच्छे टच में लग रहे थे पहली बॉल से ही। ये सैमी ने सिंगल लिया, अरुण भाई का एक और बहुत ही बढ़िया शॉट। अरुण भाई आज बहुत ही अच्छे मूड में थे और बहुत ही बढ़िया मेडल हो रहा था अरुण भाई का, मजा आ रहा था अरुण भाई की बैटिंग देखते हुए, सब लोग बहुत ही चीयर कर रहे थे अरुण भाई को और हैरान थे कि आज अरुण भाई बहुत ही तेज खेल रहे थे और कम से कम 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से अरुण भाई बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार चौके लगाए जा रहे थे लगातार, एकदम से जब दो विकेट गिर गई उसके बाद भी अरुण भाई ने ये चीज कंटिन्यू करी और अच्छे शॉट कंटिन्यू रखे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक और क्लासिक शॉट स्ट्रेट का अरुण भाई का, एक और चौका। अरुण भाई नॉन स्टॉप लगे हुए थे और एक बहुत ही बढ़िया सिक्स स्ट्रेट का मिड ऑन की तरफ, 59 for 2 in 4 overs। सैमी भी साथ में बहुत स्ट्राइक रोटेट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, सैमी को ज्यादा बोले खेलने को नहीं मिली है अभी तक एज पर स्कोरिंग, इस समय तक वो 5 से 6 बोले ही खेला था। एक और बहुत बढ़िया शॉट अरुण भाई का, एक और क्लासिक ड्राइव पंच अरुण भाई का। अरुण भाई तो बस आज पूरे अटैकिंग मूड में थे और 7 से 50 हो गई अरुण भाई की, अरुण भाई ने करीब 22 गेंदों पे अपनी 50 कर ली थी, अरुण भाई को रोकना बड़ा मुश्किल था आज। और यहाँ पे अरुण और सैमी की जो 72 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। ये अरुण भाई ने जब शॉट मारा ना वो लगा हमें बार हो जाएगा और पार नहीं हुआ, कैच हो गया वहां पे और अरुण भाई आउट हो गए। आज अरुण भाई जिस टच में थे लग रहा था तो आज तो गेम भी बना देंगे, 100 तो पक्का था अरुण भाई का। ये मैं आ गया हूँ बैटिंग करने के लिए, मैंने आते ही अपनी दूसरी बॉल पे एक चौका लगाया, ये मैंने कट किया था ऑफ स्टंप की तरफ, ये भी चौका गया है। आज मैं बहुत सीधा खेलने की कोशिश कर रहा था। ये एक और लेग स्टंप की तरफ बॉल थी, मैंने सिर्फ बल्ला लगाया, सिर्फ टाइमिंग वाला गेम चल रहा था इस समय, तो लगातार 3 चौके लग चुके थे इसलिए बिना जोखिम लेते हुए मैंने आराम से एक और सिंगल के लिए प्लेस किया, बट वहां पर डबल मिल गया था आराम से।
एक और कवर ड्राइव किया मैंने, ये भी चौका चला गया था। ये एक और लेग स्टंप की तरफ मुझे बॉल मिली, 4 रन। दस ओवर हो चुके थे, टॉस स्टंप की तरफ मुझे फुल टॉस मिली बाहर, मैंने कट कर दिया उसको, चौका चला गया। अभी तक गेम सही चल रहा था, यहाँ मैं हो गया आउट। बॉल बहुत रुक के आया था, बहुत रुक के आया था इस बॉलर का, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था ये बॉलर, बहुत रुक के आया, उस वजह से मैं फंस गया उसमें ट्रैप में। इस सैमी ने बहुत ही बढ़िया शॉट मारा है। हैरी भाई आए हैं मेरे आउट होने के बाद बैटिंग करने। इस सैम ने शॉट मारा, मिडिल भी हुआ बट उतना पावर नहीं था जो स्ट्रेट को पार कर सके, और सैम का कैच हो गया। सैम आउट हो चुका है इस समय, 137 रन पे 5 आउट हो गए हैं 12 ओवर में। उल्लास बैटिंग करने के लिए आया है, हैरी का साथ निभाने के लिए साथ में। हैरी भाई भी उसी चीज़ से परेशान थे, बॉल रुक के जो आ रहा था। ये जो बॉलर है उसको बॉल में बिल्कुल भी पेस नहीं था, बहुत रुक के आ रहा था। यही चीज़ मैं हैरी से बात भी करी थी जाके कि हैरी भाई बहुत रुक के आ रहा है, ध्यान से खेलो, देख के खेलो, ज़रूरत है टीम को अभी आपकी। ये उल्लास भाई ने शॉट मारा स्ट्रेट में मिड ऑन की तरफ और कैच आउट हो गए उल्लास भाई। 140 रन पे 6 आउट हो गए थे और दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी कि भाई स्टार्टिंग में क्या सोच रहे थे और क्या से क्या हो गया। 200 की तरफ जाते जाते अब 150 भी बनाना मुश्किल लग रहा था। सचिन भाई और हैरी भाई ने सिंगल सिंगल लेके थोड़ा गेम को संभाला। ये हैरी भाई ने शॉट मारा, ये चौका चला गया था, बहुत बड़ा शॉट था ये हैरी भाई का। सचिन राणा भाई भी फंस गए स्लोअर बॉल में, 154 रन हो चुके हैं और 7 आउट हैं। ये रजत आया था बैटिंग करने, पहली बॉल पे प्लम्ब हो गया। बॉलर अपने हैट्रिक चांस पे आ चुका है इस समय, और ये विकास भाई को आते ही पहली बॉल पे LBW करके बॉलर ने अपनी हैट्रिक ले ली है। भाई गेम फंस गया था, बिल्कुल खत्म, हम टेंशन में। 154 रन पे 9 आउट हो चुके हैं। ये अंशुमन ने आते ही पहली बॉल पे शॉट मारा, सीधा चौका चला गया, बहुत बड़ा शॉट था ये अंशुमन का। और यहाँ हैरी भाई आउट हो गए हैं 10 रन पे, और NCR किंग की पूरी टीम ऑल आउट हो गई है 160 रन पे 17 ओवर में। 3 ओवर पहले हम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए थे, और मार्कस क्रिकेट क्लब अब चेस स्टार्ट करने लगा है इस समय। और लास्ट पहला ओवर डाल रहा है, ओ भाई ये बाल बाल कैच बजा था, ये तो पहले ही ओवर में विकेट आ गई थी मोहित भाई की। ये भाई का बल्ला भी छूट गया था और शॉट बहुत तेज था, ऑफ स्टंप पे फुल टॉस बॉल थी। यार यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, इस समय ना फोन बहुत ज्यादा ओवर हीट हो रहा था, और ओवर हीट होने की वजह से पहले 2 ओवर के बाद रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। सीधा 5वें ओवर में मैंने रिकॉर्डिंग वापिस चालू करी है, राणा भाई आ गए हैं, और इस समय तक करीब 55 रन के आसपास हैं मार्कस टीम के और 2 आउट हो चुके हैं। सेकंड इनिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई यार, रिकॉर्ड मतलब मैं क्या ही बताऊं, कैमरा इतना ज़्यादा ओवर हीट हो चुका था ना, मैं चालू करके आ रहा था बंद हो जा रहा था, बहुत बुरे हाल थे यार।
एम्पायर ने आज बहुत गंदी एम्पायरिंग करी है। ये ऐसा ऐसा सामने वाली टीम ने कहा है, ऐसा सामने वाली टीम ने कहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भाई क्या सीन है? बॉलिंग नहीं आ रही है यार। आ रही नहीं है? पहले ओवर में 3 विकेट खा रहे हो, क्या हो गया? ये देखो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहाँ कहाँ आउट? हाँ ये देखो, ये इसके यहाँ लगी है भाई। आउट ही था, मेरे को गलत आउट दिया गया है। हाँ भाई क्या सीन है तेरा? अंपायर ठीक नहीं है। अंपायर ठीक नहीं है यार, लेकिन अंपायर बहुत अच्छा है। अंपायर अच्छा है ना? बॉल थी वो, आउट नॉट आउट कुछ भी आउट थे। आपके 3-3 विकेटे एक ही ओवर में है भाई, पूरा मैच का पासा। फिर मौका आगे लेने का। हाँ बिल्कुल, पासा पलट दिया। इन लोगों ने जानबूझ के आज मेरी बहुत बुराई की है। अरे कोई बुराई नहीं करी हमने, अरे मजे ले रहे हैं सब, मजे ले रहे हैं। नहीं वो तो अंदर ही थी। नहीं भाई सब मजे ले रहे हैं, बस सब मजे ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं कर, सब मजे। वेल प्लेड यार भाई, क्या कुटाई करी अरुण भाई, बड़ी तारीफें हो रही है भाई। क्या हुआ भाई? मजा तो खूब आया, पर बैटिंग से बहुत दिक्कत डिस्पॉइंट हो रहा है। क्या कहूँ मैं, छोड़ यार भाई ये देखो भाई, चश्मा, सॉरी चश्मा हो गया।